हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर विद अवर अनदर कंसेप्ट, लमसम एट प्रीमियम। क्या हुआ इसका मतलब? लमसम एट प्रीमियम, पूरा का पूरा अमाउंट हमें एक साथ रिसीव हो गया है शेयर्स का विद प्रीमियम। यानी प्रीमियम हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो में, क्या था प्रीमियम? जब जो शेयर्स की फेस वैल्यू उससे ज्यादा पर अगर कंपनी इश्यू करती है शेयर्स को, तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। सो हियर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस क्वेश्चन सजेस्ट। ओके, समझते हैं हम क्वेश्चन को। जय लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जय लिमिटेड ने कितने इशू किए हैं? 20,000 शेयर्स इशू किए हैं। कितने का है शेयर? ₹10 ईच, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर टू द पब्लिक। प्रीमियम है ₹2 का, यानी क्या हुआ यहाँ पे? ₹10 हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस या फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, और ₹2 हो गया प्रीमियम। इस तरीके से इशू प्राइस कितनी हुई शेयर्स की? ₹12। ओके, ऑल द अमाउंट्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को मिला के रिसीव्ड इन लमसम, पूरा का पूरा अमाउंट हमें रिसीव हो गया है लमसम में। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जय लिमिटेड। जय लिमिटेड के बुक्स में जनरल एंट्री पास करना है। ओके, अब यहाँ पे हमको की पॉइंट्स क्या समझ में आए हैं? व्हाट वी गॉट द की पॉइंट्स? हियर वी हैव 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स है हमारे पास। ओके, जिसकी वैल्यू एक्चुअली कितनी थी? 10। ओके, और हमारे पास प्रीमियम का अमाउंट है कितना? ₹2 पर शेयर, यानी हमें ये भी कंपनी को रिसीव होगा। 20,000 × 2 कंपनी को रिसीव होगा। कंपनी को टोटल अगर हम बात करें तो कितना रिसीव होगा? 2 लाख। ये तो उन्हें कैपिटल का अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, और 40,000 जो है प्रीमियम का अमाउंट भी मिलेगा। इस तरीके से कंपनी को टोटल कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? 2,40,000। अगर हम यहाँ पे भी वाइज वर्सा कैलकुलेशन करें तो कितना आ जाएगा? 20,000 × 10 हमारी कॉस्ट प्राइस फेस वैल्यू हो गई, प्लस ₹2 ऑफ प्रीमियम। टोटल इस तरीके से भी अगर हम निकालें तो 2,40,000 जो है कंपनी को रिसीव होगा। ठीक है, यहां तक आया समझ में आपको? अब जो है हम इसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं, किस तरीके से जनरल एंट्रीज पास आउट होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा कैपिटल का अमाउंट, ये हो गया हमारा प्रीमियम का अमाउंट। ओके, लेट्स मूव फर्दर एंड सी द जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज को हम देखते हैं। व्हाट डज दिस? पहली एंट्री सेम वैसी ही होगी, हमने जो लमसम का केस देखा था। पहली एंट्री क्या होती है लमसम के केस में? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, हम सिर्फ समझ रहे हैं अभी, सो वी आर राइटिंग इन रफ। ओके, देन वी विल डू इट सिस्टमेटिकली। ओके, पहली एंट्री तो ये हो जाएगी, कंपनी को टोटल अमाउंट रिसीव होगा बैंक से। टू, किस रीजन से हो रहा है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, दिस विल बी अवर फर्स्ट एंट्री। कितना अमाउंट आएगा? 2,40,000 रिसीव होगा कंपनी को। ओके, सेकेंड एंट्री की अगर हम बात करें तो सेकेंड एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी। ओके, हियर इज लेस स्पेस, सो आई एम यूजिंग जस्ट शॉर्ट फॉर्म। आपको पूरा लिखना है ना, अभी हम सिस्टमेटिकली करेंगे भी उसको। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, टू, यहाँ पे जो एक अलग चीज आई है वो ये है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम एक तरीके का प्रॉफिट ही हुआ कंपनी के लिए। ₹10 का शेयर जो है ₹12 में जा रहा है, ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है। इट मींस इट इज अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में कितना आ जाएगा? 2 लाख
40,000, ओके। और इक्विटी शेयर कैपिटल, हमारा कैपिटल एक्चुअली कितने का था? 2 लाख, ओके। एंड प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 40,000, ओके, इट इज 40,000। इस तरीके से जो है हमें एंट्रीज को देखना है। क्या हुआ? सेम ऐसा ही लमसम एट पार का जो केस था वही था, अमाउंट चेंज है। यहाँ पे क्यों चेंज है? क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट इसमें अब इंक्लूडेड है, और जब भी प्रीमियम आएगा हम उसको ट्रांसफर्ड या ड्यू की एंट्री के साथ जो है प्रीमियम का अमाउंट, प्रीमियम जो है वो शो करेंगे, ओके। अमाउंट तो दोनों में ही शो होगा, 2,40,000, रिसीव्ड के साथ कभी भी प्रीमियम हम शो नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल सी द एंट्रीज इन द सिस्टमेटिक मैनर। हम अभी हमने समझ लिया, अब हम सिस्टमेटिकली देखते हैं एंट्रीज किस तरीके से जा रही है, ओके। सो हियर वी हैव टू मेंटेन द प्रॉपर फॉर्मेट, हमें प्रॉपर फॉर्मेट भी देखना है। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जया लिमिटेड, देन द कॉलम ऑफ डेट, पर्टिकुलर लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। देन पहली एंट्री जो हमने सीखी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट विथ 2,40,000 इज क्रेडिटेड एंड डेबिटेड। देन आपको जो है उसमें नरेशन पुटअप करना है, बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर रिसीव्ड इन लमसम, पूरा का पूरा हमें शेयर का अमाउंट जो है रिसीव हुआ है लमसम में, एंड इट इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। नरेशन हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, ओके। द सेकेंड एंट्री विल बी ऑफ ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट विद 2,40,000, टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है जो कंपनी को, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, एंड प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया हमारे पास? 40,000, और हमने इसको क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि इट इज द प्रॉफिट फॉर द कंपनी, ओके। बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, दिस विल बी द नरेशन, ठीक है। आपको समझ में आया क्वेश्चन? ओके, इस तरीके से जो है हम डील करेंगे लमसम एट प्रीमियम का केस। पहले रिसीव्ड की एंट्री होगी, उसमें प्रीमियम का अमाउंट मेंशन होगा, बट प्रीमियम को हम शो नहीं करेंगे वर्ड को, ओके। सेकेंड ट्रांसफर की एंट्री होगी, और उसमें जो है हम प्रीमियम को अलग से शो करेंगे, मतलब कंपनी ये चीज दिखाएगी कि कैपिटल एक्चुअली मेरी कैपिटल का अमाउंट ये है और प्रीमियम के वे में मुझे इतना रिसीव हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कितना रिसीव हुआ है कंपनी को? 40,000, ठीक है। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर कुछ डाउट्स हैं देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।